हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस मतलब चैप्टर का, जो दो पार्ट से बेसिकली, एक था प्रोडक्शन वाला पार्ट, वो हम लोग ऑलरेडी निपटा चुके हैं, फैक्टर्स वाला पार्ट भी हम निपटा चुके हैं। अब हम लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बात करने जा रहे हैं, दैट इज मतलब इस यूनिट का, नॉट चैप्टर, इट इज ऑल्सो इट इज अ यूनिट, ठीक है। तो इस यूनिट का, दैट इज कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट। नाउ वी आर स्टडिंग व्हाट कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट, ठीक है। तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट का हम लास्ट वाला पार्ट एकदम क्या करने जा रहे हैं, कॉस्ट एंड रेवेन्यू कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस यूनिट एंड अगेन अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। क्यों इम्पॉर्टेंट, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भाई ये चैप्टर के अंदर से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बट इट इज एक्चुअली में रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑल्सो, ठीक है। वहां अगर आपको याद होगा तो हम प्रोडक्शन की बात करा करते थे, यूनिट्स के फॉर्म में बात करते थे, मॉनिटरी फॉर्म में बात नहीं करते थे। मतलब जितने हम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा करते हैं, कम करते हैं, शॉर्ट रन में क्या करते हैं, लॉन्ग रन में क्या करते हैं, तो वहां पे हम यूनिट्स प्रोडक्शन की बात करते थे इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे वो जो यूनिट्स हम प्रोड्यूस कर रहे थे, वो सारे यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, बेसिकली जो खर्चा लगता है, जो एक्सपेंसेस हम लोग इनकर करते हैं, दैट इज नथिंग बट called as cost. I am again repeating the meaning of cost. Cost का simple सा मतलब होता है भाई, जो तुम expenses incur कर रहे हो for doing the production, for producing one unit. तो जितना तुम expense कर रहे हो, जितना तुम खर्चा कर रहे हो, so that is nothing but called as what? Cost. उसी को क्या कहा जाता है बच्चा? Cost कहा जाता है. उसी को क्या कहा जाता है आसान शब्दों में? जो expenditure आप incur कर रहे हो, that is nothing but called as what? Cost. ठीक है, तो पहले हम लोगों को इसमें क्या पढ़ना है, पहले हम लोगों को पहला वाला जो पार्ट है, अगेन बहुत चिल्लर वाला पार्ट है, उसके अंदर हमको अलग अलग कॉस्ट के नाम, उनके मतलब, ठीक है, वो जानने हैं कि कौन कौन सी कॉस्ट होती है, किस प्रकार की कॉस्ट होती है, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह, बहुत चिल्लर, ठीक है। उसके बाद जो मेन पार्ट है वो है बी पार्ट, दैट इज शॉर्ट रन के अंदर किस तरीके की कॉस्ट लगती है, उनका बिहेवियर क्या रहता है, लॉन्ग रन के अंदर किस तरीके की कॉस्ट लगती है और उनका क्या बिहेवियर रहता है, ये चीज हमको जो इंपॉर्टेंट वाली है वो स्टडी करनी है शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट बिहेवियर पे। एंड लास्टली हमको इसमें स्टडी करना है रेवेन्यू, रेवेन्यू एज इन आप जो प्रोडक्ट बनाते हो, मतलब आपने पहले प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन करने के बाद आपने क्या करा, पहले प्रोडक्शन करा, प्रोडक्शन करने के बाद आपने क्या करा, उसको कितना खर्चा लगा वो देखा, कॉस्ट कितनी लगी, ठीक है। उसके बाद आप जब वो प्रोडक्ट बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वहां से आपको कितना पैसा आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू। दैट मीन्स आप ऐसा बोल सकते हो कि जितने अमाउंट में आप उसको सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, सो दैट अमाउंट इज नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू। उसी अमाउंट को क्या कहा जाता है? रेवेन्यू कहा जाता है। और उसके बाद एक छोटा सा पार्ट जो कि विच इज सिमिलर टू प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब इंडिफरेंस कर्व, याद आ रहा होगा तो यहाँ पे हम आइसोपॉइंट कर्व पढ़ेंगे, विच इज एकदम कॉपी पेस्ट। जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पहले ही बोल दूंगा कि भाई पढ़ के आ जाना, या ये जब चालू होने वाला रहेगा आपको समझ जाएगा, थर्ड पार्ट खत्म हो रहा है ये चालू होगा, ठीक है, आखिरी में ही चालू होगा, तो पहले ही चुपचाप इंडिफरेंस कर्व वाला लेक्चर या तो दोबारा देख लेना या तो पढ़ लेना अच्छे से एक बार, नहीं तो फिर दिक्कत होगी, और पढ़ के आऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। सो सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में, ठीक है, एनालिसिस ऑफ कॉस्ट क्या बोलता है कॉस्ट के बारे में, आओ पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, ये कॉस्ट एनालिसिस का स्टडी मतलब होता है बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, किस तरीके की कॉस्ट है, कितनी कॉस्ट लग रही है, ज्यादा लग रही है, कम लग रही है, कौन सी कॉस्ट लग रही है, इन सब की स्टडी करना इज नथिंग बट कॉस्ट की क्या करना, एनालिसिस करना इन रिलेशन टू वन और मोर प्रोडक्शन क्राइटेरिया। हाँ, हो सकता है कि हम एक प्रोडक्शन क्राइटेरिया की अंदर एनालिसिस कर रहे हैं कि पर्टिकुलर अगर मैं ये रिमोट बना रहा हूँ तो इस रिमोट बनाने के लिए कि मेरे को कितना खर्चा लग रहा है, कितनी एक्सपेंसिस लग रही है, कितनी कॉस्ट लग रही है, या एक से ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए मैं कॉस्ट की स्टडी कर रहा हूँ। तो फॉर कॉस्ट एनालिसिस पर्पस द प्रोडक्शन क्राइटेरिया मे बी साइज, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, मतलब आपको कॉस्ट एनालाइज करने के लिए कितनी क्वांटिटी में आप आउटपुट बना रहे हो वो चीजें मैटर कर जाएंगी, स्केल ऑफ ऑपरेशन कितने बड़े लेवल पे काम कर रहे हो, ठीक है, प्राइस कितनी है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, और अदर रिलेटेड इकोनॉमिक वेरिएबल जो हम धीरे धीरे देखेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। कॉस्ट एनालिसिस इज कंसर्न विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन एज अगेंस्ट फिजिकल एस्पेक्ट्स विच आर कंसिडर्ड इन प्रोडक्शन एनालिसिस, खुद ही बोल रहा है। यहाँ पे हम पैसे की बात करेंगे, पैसे के फॉर्म में हम बात करेंगे, रेदर देन जैसे हम प्रोडक्शन में करते थे यूनिट्स के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, यहाँ पे हम मॉनिटरी टर्म्स में बात करेंगे, वहाँ पे हम कोई भी मॉनिटरी टर्म्स में बात नहीं करते थे, वहाँ पे हम ये बोलते थे कि स्टार्टिंग में प्रोडक्शन बढ़ता है, इंक्रीजिंग स्टेज होती है, डिमिनिशिंग होती है, निगेटिव होती है शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन है तो इंक्रीजिंग रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, डिमिनिशिंग रहती है, निगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। तो वहां पे प्रोडक्शन इतने यूनिट से बढ़ता था, इतने से कम होता था, ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहता था, यहाँ पे उन्हीं चीजों की हमको क्या पढ़नी रहेंगी, कॉस्ट पढ़नी रहेंगी,
ठीक है, सेम कुछ भी आपको अलग नहीं दिखेगा, वही चीजें रहेंगी, बस यहाँ पे प्रोडक्शन बोलते थे, यहाँ पे कॉस्ट यूनिट्स के फॉर्म में था या पैसे के फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे उसकी फाइनेंशियल एनालिसिस हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। तो पेपर में अगर गलती से ऐसा एमसीक्यू आ गया कि कॉस्ट एनालिसिस इज कंसर्न विद व्हाट, तो कॉस्ट एनालिसिस इज कंसर्न विद नथिंग बट कॉस्ट एनालिसिस इज कंसीडर्ड कंसर्न विद नथिंग बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट? फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ प्रोडक्शन। आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट फंक्शन, सबसे पहले आपको क्या बोल रहा है, कॉस्ट फंक्शन उसके अंदर क्या है देख लेते हैं थोड़ा सा। मीनिंग कॉस्ट फंक्शन रेफर्स टू मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट एंड वेरियस डिटरमिनेंट्स ऑफ कॉस्ट। पूरे कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, बोले कॉस्ट एक प्रोडक्ट को कितने बनाने के लिए खर्चा लग रहा है उसके बीच में, और उसके जो डिटरमिनेंट्स है, डिटरमिनेंट्स मतलब जिन चीजों की वजह से कॉस्ट क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो उसके बीच में और एक प्रोडक्ट की कॉस्ट के बीच में जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, नथिंग बट कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, द फॉलोइंग आर द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन कॉस्ट फंक्शंस। डिपेंडेंट वेरिएबल टोटल कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट। टोटल कॉस्ट मतलब जितना टोटल आपको खर्चा लगा है ये पूरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, मैंने 100 रिमोट बनाने के लिए मेरे को कितना खर्चा लगा, तो दैट इज कॉल्ड एज माय टोटल कॉस्ट। एक रिमोट बनाने के लिए मेरे को कितना खर्चा लगा, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ आउटपुट की कॉस्ट। मतलब 100 रिमोट में एक साथ बना रहा हूं तो हाउ मच कॉस्ट, हाउ मच एक्सपेंसेस आई एम इनकरिंग टू प्रोड्यूस दिस 100 रिमोट, दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट। फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ रिमोट हाउ मच कॉस्ट आई एम इनकरिंग, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट कॉस्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कुछ स्केल ऑफ ऑपरेशन, प्राइस फैक्टर्स की कितनी है प्रोडक्शन के, अदर रिलेवेंट फिनोमिना, कॉस्ट के टेक्नोलॉजी क्या है, साइज क्या है, बहुत सब चिलर चीज। हाँ, ये तो सब इंट्रोडक्शन दे रहा था जस्ट ऐसी। अब मेन मुद्दा तो अब चालू हो रहा है, कॉस्ट क्लासिफिकेशन। बेसिकली कॉस्ट क्लासिफाई हम कर रहे हैं पहले एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट के बीच में। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के बीच में हम कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। अब सर एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, सर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, हम पढ़ेंगे। कॉस्ट विच इन्वॉल्व पेमेंट मेड बाय एंटरप्रेन्योर टू प्रोवाइड्स टू प्रोवाइडर्स ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। मतलब जो आप एक्चुअली में खर्चा करते हो कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट के लिए खर्चा करते हो, इनकर करते हो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट। मतलब जैसे आप लैंड के ऊपर रेंट पे करते हो, लेबर को आप वेजेस देते हो, कैपिटल के ऊपर आप इंटरेस्ट देते हो, एंटरप्रेन्योर आपसे क्या, एंटरप्रेन्योर काई के लिए इतने काम करता है, प्रॉफिट के लिए। सो बेसिकली दीज आर नथिंग बट कॉल्ड एज व्हाट, फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइसेस, फैक्टर की लगने वाली कॉस्ट। तो दिस इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। बेसिकली एक्सप्लिसिट कॉस्ट मतलब होता है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आप जितना जेब से एक्चुअली में खर्चा कर रहे हो, एक्चुअली में आप जितना पेमेंट कर रहे हो फॉर परचेसिंग रॉ मटेरियल, फॉर रेंट पेमेंट, फॉर लेबर का पेमेंट, फॉर इंटरेस्ट का पेमेंट, प्रॉफिट का पेमेंट, मतलब जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मतलब आप तो अकाउंटिंग स्टूडेंट हो तो आपको ये बात पता होंगी, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग बुक करते हैं कॉस्ट को, पीएनएल में या ट्रेडिंग अकाउंट में, जिनको हम कॉस्ट को एक्चुअली में बुक करते हैं, जो हमने एक्चुअली में कॉस्ट इनकर की है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हाँ, कुछ लोग मेरे को बोल रहे होंगे पागल पागल हो गए सर, सर हर कॉस्ट तो इनकर करते ही है, हर कॉस्ट तो हम बुक करते ही है ना, तो ये तो कोई बोलने की बात नहीं होगी कि हर कॉस्ट तो हम इनकर करते ही है, मतलब विदाउट इनकरिंग एनीथिंग है ना, खर्चा करे बिना आप उनको कॉस्ट कैसे बोल दोगे। तो कुछ लोग बोल रहे होंगे सर भोरा वोरा तो नहीं कह के, सुनना भाई ध्यान से, अब बताऊंगा इम्प्लिसिट का मतलब तो आपको समझ में आएगा। तो एक्सप्लिसिट का मतलब आपको समझ में आएगा, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम बुक कर सकते हैं, जो हम लिख सकते हैं। जब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट की, सो इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जहां पे, ध्यान से सुनना, इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो हम इनकर नहीं करते हैं, जो हमारे जेब से एक्चुअली में लगी नहीं रहती है, बट हम इमेजिन करते हैं। सर नहीं समझा, अरे बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नोशनल कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल तुमको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूँ कि भाई तेरे पास दो ऑप्शन है सीए बनने के बाद या सीए सीएमए बनने के बाद, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम जॉब करो, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम प्रैक्टिस करो। तो अब तुम्हारे पास जॉब के लिए ऑफर आया है, तुमको जॉब में ऑफर मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, चलो
तुमको जो पैकेज ऑफर हो रहा है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपीज का पैकेज, 10L का पैकेज तुमको क्या हो रहा है, ऑफर हो रहा है। सर कब ये दिन आएंगे? सर सर आएंगे आएंगे, एक दिन जरूर आएगा। ठीक है, तो 10L का, 10 लाख का पैकेज तुमको क्या हो रहा है, ऑफर हो रहा है, अगर तुम क्या करते हो, जॉब करते हो। लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो तुम्हारी कमाई कुछ सर्टन नहीं रहती। स्टार्टिंग ऑफ द प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस इज जस्ट लाइक डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, दैट मींस नथिंग बट यू आर डूइंग अ बिजनेस, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज जस्ट लाइक दैट, कि स्टार्टिंग में भाई टाइम लगता है, लेकिन एक टाइम पर जब कमाई बढ़ती है तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ती है। पर स्टार्टिंग में आपकी शायद प्रैक्टिस में कुछ भी कमाई ना हो, उल्टा थोड़े बहुत घर से पैसे खर्चा हो, या जितना खर्चा लग रहा है उतने पूरे पैसे ही आप कमा रहे हो, मतलब बेसिकली आपकी इनकम नहीं है, एक मैटर एक प्रकार से। तो आप जब प्रैक्टिस करने जा रहे हो, तो उस समय आप क्या सोचोगे माइंड में, कि मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी, प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए मेरे माइंड में क्या ऑप्शन है? मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो मेरे माइंड में ये ऑप्शन है कि भाई मैं यहाँ पे 10 लाख रुपए का नुकसान करके आ रहा हूं। आपके माइंड से, मुंह से ये निकलेगा कि मैंने 10 लाख रुपए का नुकसान करा है। अब मैं तुमसे पूछूंगा, भाई तुमने कैसे 10 लाख का नुकसान करा है? तो बोलोगे, सर अगर मैं जॉब कर लेता तो मैं 10 लाख रुपए जॉब से कमाता, लेकिन क्योंकि मैंने जॉब छोड़ के आई है, यानी जॉब नहीं करी है, मेरे पास ऑफर था मैं नहीं गया, या मैं जॉब कर रहा था तो वो छोड़ के आया है मैं, तो मैं नहीं कमा रहा वहां से पैसे। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मेरा क्या हो रहा है, 10 लाख रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस हो रही है। सो तुम क्या सोचोगे कि मैं अगर जब प्रैक्टिस कर रहा हूं तो कम से कम मैं कितना कमाऊं? गाइस एक सेकंड, मेरी आवाज थोड़ी नहीं आएंगी आप लोगों को, एक सेकंड कुछ इशू हुआ है, एक सेकंड जस्ट। सॉरी यार गाइस, पता नहीं किस इशू हुआ था, इसके लिए बीच में इंटरप्ट होगी क्लास, ठीक है, आई एम रियली फॉर सॉरी फॉर दैट। होता है, मजा आ गया सर, हमको तो अच्छा है, चलता है ये सब। जस्ट अ सेकंड, पता नहीं यहाँ पे इशू हुआ, मैं ठीक कर रहा हूँ, रिजॉल्व कर रहा हूँ उसको, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जस्ट अ सेकेंड, चलता है यार, टेक्नोलॉजी है, क्लास में भी 5 मिनट हो जाता है, कोई आ जाता है, यहाँ भी कुछ ऑप्शन नहीं है। अरे रिकॉर्ड में प्रॉपर नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या इशू था। हाँ अभी ओके ओके, सॉरी।
सॉरी फॉर द इंटरप्शन. हाँ, सो हम क्या बात कर रहे थे, एक्सप्लिसिट टू. तुम अगर प्रैक्टिस करोगे तो बट ऑब्वियस बात है कि तुम्हारे माइंड में क्या चलेगा कि अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो इट इज बट ऑब्वियस सी बात कि सर अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं कम से कम 10 लाख तो कमाऊँ, क्योंकि मैं 10 लाख क्या कर रहा हूँ, नुकसान करके आ रहा हूँ. ठीक है, 10 लाख में नुकसान करके आ रहा हूँ. तो सेम फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करके आपने साल भरे में 2 लाख रुपए कमाए स्टार्टिंग में. होता है स्टार्टिंग में ये होता है, बाद में धीरे धीरे बहुत ज्यादा इनकम बढ़ती है, लेकिन बाद में बढ़ती है 2-3 साल 4 साल बाद. बट आपने कितने कमाए, 2 लाख रुपए कमाए. तो आप क्या बोलोगे कि आपने 2 लाख कमाए? क्या आप एक्चुअली में ऐसा बोलोगे कि आपने 2 लाख कमाए, या आप ऐसा बोल दोगे कि सर मैंने 2 लाख कमाए नहीं, सर मैंने तो 8 लाख रुपए का नुकसान किया है. सर प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका पीएनएल जो दिखेगा अकाउंट्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स आप प्रॉफिट में रहोगे, अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स, क्योंकि आप वहां पे ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट बुक करते हो. सो अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स आपका पीएनएल अकाउंट 2 लाख रुपए का लॉस प्रॉफिट बुक करेगा, बट एक्चुअली में आपका 8 लाख रुपए का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है एट वेरी फर्स्ट ईयर. सर वाई? क्योंकि 10 लाख रुपीज जो आप कॉस्ट कंसिडर नहीं कर रहे हो, दैट इज नथिंग बट इम्प्लिसिट कॉस्ट विच आप अकाउंट में बुक नहीं करते हो, क्योंकि वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप उसको अकाउंट में बुक नहीं करते हो. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट. ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहा जाता है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर? तो अगर आप इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंगली देखोगे तो आपका प्रॉफिट कितना, नुकसान कितना दिखेगा, 8 लाख. तो सर बिजनेस डिसीजंस के अंदर हम क्या कंसीडर करते हैं, बिजनेस डिसीजंस के अंदर हम क्या एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसीडर करते हैं, या बिजनेस डिसीजंस के अंदर क्या हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कंसीडर करते हैं? तो भाई आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, अगर आपको आगे डिसीजन लेना है, ठीक है, फ्यूचर एक मिनट के लिए छोड़ दो कि आप फ्यूचर के एंगल से कर रहे हो, फ्यूचर में कमाई बढ़ेगी वो अलग बातें होगी, बट अगर आपको प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट्स क्या लेना है, प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ये डिसीजन लेना है कि मैंने जॉब में कंटिन्यू करना चाहिए या मैंने बिजनेस में कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप क्या देखोगे? तो सर बट ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस डिसीजंस के लिए मैं इकोनॉमिक प्रॉफिट ही क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा. सर बिजनेस डिसीजंस के लिए इकोनॉमिक प्रॉफिट क्यों कंसीडर करा जाएगा? क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको एक्चुअली पिक्चर दिखा रहा है कि आपने कितना कमाया कितना कमाया, लेकिन अगर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट की बात करोगे तो वो तो आपको प्रॉफिट शो कर रहा है. इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, क्योंकि भाई कॉस्ट में जितना समझो वो कम है, जितना मैं आपको सुना वो कम है. एक और एग्जांपल देता हूँ, सिर्फ और एग्जांपल, आपके एक पापा का, आपके घर का, आपके पापा ने आपको एक शॉप दे दी है कि जा बेटा तू कुछ तो भी कर, या जाके कोई दुकान खोल ले. तुम्हारे घर वालों ने तुमको ऑटोमेटिकली एक दुकान दे दी, फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको दुकान मिल गई है, और उसके साथ साथ तुमको 10 लाख रुपए भी दे दिए. जा भाई जिले और दुकान खोल और वहां पे जाके क्या कर, पैसा कमा. ठीक है, अच्छा तुमने वहां पे दुकान डाल दी, कपड़े की दुकान डाले. अब पहले के साल अगर तुम देखोगे, पहले साल तुम अगर देखोगे तो तुमने पहले साल के अंदर 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया. कितने का प्रॉफिट कमाया? 4 लाख रुपए का. ठीक है, वही दुकान से तुमने कितने का प्रॉफिट कमाया? 4 लाख रुपए का. अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई तुमने इस साल प्रॉफिट किया है या नुकसान किया है, तो तुम मेरे को अकाउंटिंग प्रॉफिट देख के क्या बोलोगे कि मैंने तो प्रॉफिट किया, मैंने तो 4 लाख रुपए कमाया. तो फिर मैं तुमको बोलूंगा अगेन, तुम जो प्रॉफिट देख रहे हो वो गलत प्रॉफिट देख रहे हो, क्योंकि एक्चुअली में इस तरीके से देखा ही नहीं जाता है. अब बात यह आती है कि भाई जो तो दुकान थी उसकी पूरी कहानी है, जो दुकान थी अगर वो तुम्हारे घर वाले या तुम्हारे पापा तुमको नहीं देते, तो अगर वो रेंट पे चढ़ा देते सिंपली उसको, तो उनको 1 लाख रुपए पर मंथ उस दुकान का क्या आ जाता, रेंट आ जाता. यानी अगर वो दुकान रेंट पे चलाई जाती है ना, तुमने प्रॉफिट कितना कमाया बिजनेस से, तुम बोल रहे हो 4 लाख रुपए. मैं तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुमने कितना एक्चुअल में प्रॉफिट कमाए हैं. ठीक है, तुम्हारे बुक्स दिखा रही है, तुम्हारा अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है 4 लाख रुपए का, अकाउंट्स के अकॉर्डिंगली अगर तुम चलोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट 4 लाख रुपए का दिखा रहा है. बट आपको मैं प्रैक्टिकली चीज बताऊँ, ये चीज अपनी लाइफ में याद रख लेना कि अकाउंट्स के हम भले चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनते हैं, ठीक है, लेकिन हम फ्यूचर में अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा, एक्चुअली में हर बिजनेस अकाउंटिंग प्रॉफिट से ज्यादा किसको इंपॉर्टेंस देता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट को. प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं यहाँ पे मैं आपको गलत बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है. प्रैक्टिकली स्पीकिंग अगर मैं आपको बोलूँ तो आपका जो क्या नाम था इसका, बिजनेस है कोई भी, वो बिजनेस किसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करता है, डिसीजन लेता है, इकोनॉमिक प्रॉफिट. अकाउंट अकाउंट तो ठीक है, वो बुक करने के काम है, जो चीज हो चुकी, घटनाएं घट चुकी है, उसको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, बुक कर रहे हैं. ये तो घटनाएं होने के पहले डिसीजन मेकिंग में ये इकोनॉमिक्स क्या होता है, काम आता है. बट पता नहीं बच्चे लोगों को थ्योरी लगता है, लेकिन एक्चुअली में समझने वाली चीज है. तो उसका 1 लाख रुपए रेंट होता था, और जो 10 लाख रुपए तुम्हारे
घर वालों ने या तुम्हारे पापा ने दिए थे भाई साहब, उसका रेंट गिरी गिरी हालत में इंटरेस्ट उसका 10% पर एनम का होता था। तो प्रैक्टिकली सोच के देखो कि अगर तुमको ये दुकान नहीं देते तो वो दुकान से कितना पैसा कमा लेते साल भरे में, 12 लाख। इंटरेस्ट अगर तुमको नहीं देते पैसा, ब्याज पे चलाते या तुमसे इंटरेस्ट लेते या कहीं और से इंटरेस्ट लेते, तो कितना हो जाता, 10 लाख रुपए के ऊपर 1 लाख रुपए। तो इन्हें प्रैक्टिकली कितना पैसा कमाया या जा सकता था वो धंधे से, 13 लाख रुपीज। और तुमने कितना कमाया है वही जगह से, 4 लाख रुपए। तो तुम कितने के प्रॉफिट में हो, 4 लाख के प्रॉफिट में हो या 4 में 13 माइनस 4 मतलब 9 लाख के लॉस में? तो एक्चुअली में आप 9 लाख के क्या हो, लॉस में, 4 लाख के प्रॉफिट में नहीं हो, क्योंकि आपको जो दुकान मिली है या आपका जो दुकान है उसमें आपने रेंट कंसिडर नहीं करा, क्योंकि वो आपकी ओन्ड है। सोच के देखो, अगर वो आपकी ओन्ड नहीं होती तो क्या आपको 1 लाख रुपए रेंट नहीं पे करना पड़ता कहीं से? अगर आप किराए पे लेते तो क्या आपको 10% पर एनम का इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता? अगर आप कहीं से लोन लेते तो बट ये कॉस्ट तो आपने कंसिडर नहीं किया, क्योंकि ये इनकर नहीं हुई है ना, ये नोशनल कॉस्ट है, ये आपकी जेब से नहीं गई ना, ये इनकर नहीं हुई है, तो इट इज अ नोशनल कॉस्ट ना, तो इसीलिए आपने इसको कंसिडर नहीं किया। आर गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिमाग से बिजनेस चलाना, ठीक है? इट इज नॉट लाइक कि भाई तुम्हारे पास ऑलरेडी चीजें है तो तुम उसके अंदर काम कर रहे हो और बोल रहे हो वहां से प्रॉफिट हो रहा है, बट यू हैव टू कंपेयर, बट यू हैव टू कंपेयर इम्प्लिसिट कॉस्ट विद एक्सप्लिसिट बोथ, इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड एक्सप्लिसिट बोथ विद योर प्रॉफिट्स। नॉट ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट, अगर आप ओनली अगर आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसिडर कर रहे हो तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना बात करने का, डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं बचा। सो यू हैव टू कंसिडर बोथ एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट। आई होप आई एम क्लियर नाउ। तो इसको नॉशनल इम्प्यूटेड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है। किस तरीके से मेजर करी जाती है, तो जो आप एक्चुअली में इनकर कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट कॉस्ट, हेंस कैन बी इजीली एंड ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड, आप इजीली मेजर कर सकते हो। मैंने 50 लाख का रॉ मटेरियल लिया, 10 लाख का ये लिया, 50 लाख का वो लिया, 20 लाख का वो लिया, तो इजीली मेजरेबल है। दे आर नॉट एक्चुअली इनकर्ड, दे कैन नॉट बी इजीली मेजर, बहुत आसान नहीं है इसको मेजर करना। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ता है कि कितनी कॉस्ट हो सकती थी, क्या हो सकता था, क्या मैंने लॉस कर दिया, कितनी अपॉर्चुनिटी मैंने लॉस कर दी। तो इसको ऑब्जेक्टिवली मेजर बोला जा सकता है, इसको सब्जेक्टिवली एस्टीमेट बोला जा सकता है। तो बेसिकली ये जो 10 लाख या 12 लाख का मैंने यहाँ पे लगाया है, ये एस्टीमेशन लगाया कि इतना रेंट वहां का होता था, ये 1 लाख रुपए इंटरेस्ट होता था, इट इज नॉट एक्चुअली इनकर्ड। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, ये रिकॉर्ड नहीं होती है। इसको अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग के पर्पज के लिए यूज करते हैं मेनली। इसको सिर्फ और सिर्फ डिसीजन मेकिंग के पर्पज के लिए, अकाउंटिंग में इसका कोई काम नहीं है। तो मेन जो पर्पज होता है कोई भी बिजनेस का डिसीजन मेकिंग, उसके लिए क्या यूज होती है, ये कॉस्ट कंसीडर होती है। तुम बोलोगे सर अकाउंटिंग का एक्सप्लिसिट कॉस्ट में भी तो लिखा है डिसीजन मेकिंग वाली, भाई भले ही वहां पे लिखा हुआ है डिसीजन मेकिंग, लेकिन सबसे आखिरी में लिखा हुआ है। बोलने के लिए कि छोटे मोटे डिसीजन में आप कौन सी कॉस्ट कंसीडर कर लेते हो, छोटे मोटे डिसीजन में यू कैन कंसीडर अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग कॉस्ट ऑल्सो ओनली, ठीक है? बट ऐसा है नहीं, आपको दोनों ही कॉस्ट कंसीडर करनी पड़ती है। यहाँ पे रेंट, वेजेस, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड बिजनेस से, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओन कैपिटल, जैसे मैंने अभी बताया कि आपने खुद का पैसा लगाया घर वालों से लेके, रेंट ऑन ओन प्रोप्रीमाइसेस, सैलरी टू एंटरप्रेन्योर कि वो कहीं और काम करता था तो वहां से उसको कितनी सैलरी आ जाती थी, यहाँ मगजमारी क्यों कर रहा है वो अपना, ठीक है? तो ये सारी चीजें, आई होप एग्जाम्पल से सारी चीजें क्लियर होंगी। देखिए ये दिया है, ये आगे कंसीडर, इसको हम आगे पढ़ेंगे। रेवेन्यू इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट, मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है, रेवेन्यू का मतलब, चलो पढ़ लेते थोड़ा सा इसको। रेवेन्यू का मतलब होता है जो आप कमा रहे हो, जो आपके पास पैसा आ रहा है, नॉट कमा रहे हो, जितने में आपने माल बेचा, ठीक है? अगर ये रिमोट 100 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है, मैं ये रिमोट अगर कितने में बेच रहा हूँ, 100 रुपए में बेच रहा हूँ, तो 100 रुपीज इज माई व्हाट, रेवेन्यू, ठीक है? 100 रुपीज इज नॉट माई प्रॉफिट, डोंट गेट मी रॉन्ग, इट इज नॉट माई प्रॉफिट, ठीक है? इट इज नॉट माई प्रॉफिट, रेवेन्यू इज नथिंग बट माई व्हाट, जितनी सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं उसको, ठीक है? तो अगर रेवेन्यू, अगर इकोनॉमिक कॉस्ट की जितना है, अब तुम पूछोगे सर कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या, तो कुछ लोग बोलेंगे इकोनॉमिक कॉस्ट मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट, गलत बात। मैंने क्या ये बोला कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ इम्प्लिसिट कॉस्ट कंसिडर होती है? मैंने क्या ये बोला कि इकोनॉमिक्स में सिर्फ इम्प्लिसिट कॉस्ट कंसिडर होती है? नहीं,
मैंने तो ये बोला कि अकाउंटिंग में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट कंसिडर होती है ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की अगर आप बात करें तो ओनली एक्सप्लिसिट कॉस्ट वहां पे क्या होती है, कंसिडर होती है। बट अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो वहां पे एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट बोथ कॉस्ट क्या होती है, कंसिडर होती है। ये दोनों कॉस्ट वहां पे क्या होती है, कंसिडर होती है। तो व्हेन यू टॉक अबाउट इकोनॉमिक कॉस्ट, तो इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट बोथ कॉस्ट क्या होंगी, आपकी कंसिडर होंगी। ठीक है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कंसिडर होंगी और आपकी क्या भी कंसिडर होंगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट भी क्या होंगी, कंसिडर होंगी। तो दैट इज कॉल्ड एज योर इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो कॉस्ट है। तो वो बोलता है कि अगर आपका रेवेन्यू आपके एक्सप्लिसिट इकोनॉमिक कॉस्ट का इक्वल है, दैट मीन्स आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। ठीक है, लेकिन अगर आपका रेवेन्यू आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट से ज्यादा है, यानी मैं मेरी प्रैक्टिस से 15 लाख रुपए कमा रहा हूं और अगर मैं जॉब करता जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने छोड़ी है वो 10 लाख है, तो यहां पे मैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर रहा हूं, अर्न कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मेरा रेवेन्यू मेरी एक्सप्लिसिट एज वेल एज इम्प्लिसिट ये दोनों कॉस्ट कंसिडर करने के बाद उससे भी ज्यादा है, एक्सप्लिसिट भी कवर्ड हो गई, इम्प्लिसिट भी कवर्ड हो गई, इन दोनों को मिलाने के बाद ये अगर उससे भी ज्यादा है, दैट मीन्स ये मेरी इकोनॉमिक कॉस्ट से भी ज्यादा है, सो आई एम अर्निंग अब नॉर्मल प्रॉफिट। बट वेन रेवेन्यू इज इक्वल टू इकोनॉमिक कॉस्ट, दैट मीन्स आई एम अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। बट इफ सर, अगर सर रेवेन्यू इज लेस देन इकोनॉमिक कॉस्ट, देन वॉट? सर इफ रेवेन्यू इज लेस देन इकोनॉमिक कॉस्ट, इन दैट केस यू आर नॉट अर्निंग एनी प्रॉफिट, यू आर इनकरिंग लॉसेस। सर वॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ दैट? सर दिस इज द एग्जाम्पल, योर प्रॉफिट इन अ बिजनेस इज 4 लाख, दैट इज आफ्टर डिडक्टिंग एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो पीएनएल अकाउंट बनाओगे, पीएनएल अकाउंट बनाने का तो आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट बुक करोगे, वहीं से आपने 4 लाख का प्रॉफिट निकाले हैं पीएनएल के हिसाब से। P&L एंड ट्रेडिंग बोथ, जब भी मैं P&L बोलूँ ना तो यहाँ पर ट्रेडिंग का पिपड़ा मत बजाना। सर ट्रेडिंग अलग होता है, P&L अलग होता है, ट्रेडिंग में अलग चीज़ें बुक होती है, P&L में अलग होती है, प्रैक्टिकल लाइफ में उसको P&L ही कंसिडर करा जाता है। ठीक है, बोलने के लिए हम उसको बायफर्गेट करते हैं, कॉस्ट वहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, डायरेक्ट वहाँ लिखते हैं, इनडायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, मेरे को पता है। तो अभी इसमें डिसीजन मेकिंग में वो सब रिलेवेंट नहीं रहता। तो P&L के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 4 लाख, P&L के हिसाब से जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 लाख का। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे इकोनॉमिक्स के हिसाब से तो आपका जो प्रॉफिट नुकसान हो रहा है वो क्या हो रहा है, 9 लाख का। इसका मतलब क्या होगा कि आपका रेवेन्यू कम है, किससे, आपके इकोनॉमिक कॉस्ट से, यानी आफ्टर टेकिंग इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट बोथ एंड आफ्टर कंसीडरिंग इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिट इकोनॉमिक कॉस्ट विद योर रेवेन्यू, देन योर रेवेन्यू इज यू आर इनकरिंग लॉसेस इन दैट केस। क्लियर? इम्प्लिसिट कॉस्ट के एग्जाम्पल्स दिए हुए, लैंड अगर आप ओन्ड है एंटरप्रेन्योर का, ये वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहा है तो वहाँ पे रेंट पे नहीं करना पड़ता है। वेजेस और सैलरी अगर एंटरप्रेन्योर आ रहा है तो वो फ्री में आपके लिए काम करता है, एंटरप्रेन्योर जो है तो उसकी सैलरी कंसिडर नहीं होती है। नॉर्मल अगर आप पैसा लगा रहे हो खुद की जेब से, ठीक है, तो वो पैसे के ऊपर का इंटरेस्ट नहीं लगता है, जो मैंने आपको ये समझा दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे बाइफरकेशन दिया हुआ है कि अगर लैंड की बात करें तो अगर एक्सप्लिसिट कॉस्ट है तो रेंट अगर आप लैंडलॉर्ड को पे कर रहे हो तो फिर वो एक्सप्लिसिट है, लेकिन लैंड अगर ओन्ड है खुद का एंटरप्रेन्योर का तो वो क्या है, इम्प्लिसिट है। लेबर अगर सैलरी पे कर रहे हो लेबर को तो एक्सप्लिसिट है, लेकिन अगर वो आपके खुद के घर के लोग काम कर रहे हैं आपके यहाँ पे, कोई बाहर का काम नहीं कर रहा, खुद के घर के लोग काम कर रहे हैं, पैसे ऐसे देने की किसी को कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर वो हो गया इम्प्लिसिट। कैपिटल, अगर आप बैंक से या कहीं से उधार लेके पैसा ले रहे हो तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल, आप बोरो कर रहे हो और उसके ऊपर आप जो पैसा इंटरेस्ट के तौर पर दे रहे हो। बट अगर आप एंटरप्रेन्योर की बात करोगे तो एंटरप्रेन्योर जो है ओन फंड्स यूज करता है, एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या यूज करता है, ओन फंड्स यूज करता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर अगर ओन फंड यूज कर रहा है तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो जो इंटरेस्ट नहीं दे रहे ओन फंड्स के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एज, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, आपका एक मिनट यार मालूम नहीं सर्दी कैसे होगी, दैट इज कॉल्ड एज आपका क्या, इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर आप एंटरप्रेन्योर की बात करोगे तो वो अगर खुद काम कर रहा है तो पैसा नहीं लेगा, अगर वो खुद काम कर रहा है अगर, ठीक है, वो खुद काम कर रहा है, सारी चीजें मैनेज कर रहा है, तो वो अपना जो प्रॉफिट अर्न करेगा वो प्रॉफिट इज नथिंग बट इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि अभी तो अर्न नहीं कर रहा है ना, वो कर सकता है तो वो फ्री में काम कर रहा है इसलिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपके माइंड में थोड़ा सा इकोनॉमिक्स और इसकी कॉस्ट वगैरह प्रॉपर तरीके से क्या हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। मैं आगे बढ़ सकता हूँ बट मैं थोड़ा नहीं बढ़ूंगा और मैं कल ही चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा, पूरा नहीं ये पार्ट एक। तो आई रिक्वेस्ट थोड़ी सी कि पार्ट ए आप लोग कल पढ़ के आएंगे, है ना, जहाँ तक मैंने पढ़ाया वो पढ़ लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा कल मैं फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, हो सकता है उसके साथ साथ मैं पार्ट बी भी चालू कर दूँ बीच में,
ठीक है, यानी मैं पार्ट बी भी कल शायद हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में चालू कर दूं, क्योंकि फिक्स कॉस्ट और वो सब मेरे को वहाँ पे जाके समझाने में ज़्यादा मजा आएंगी रेदर देन यहाँ पे समझाने से। अच्छा यहाँ तो बस बाइफर्केशन था, ये जो आज का डिस्कशन था ये एक थोड़ा सा अलग लेवल का था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। लेकिन जो कल का डिस्कशन रहेगा वो और इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन वो रहेगा फिक्स कॉस्ट। जैसा फिक्स आपके फिक्स प्रोडक्ट होते थे उसको ऊपर जो लगने वाली कॉस्ट है दैट इज कॉल्ड एज फिक्स कॉस्ट। जो वेरिएबल होते थे रॉ मटेरियल वगैरह तो उनके ऊपर जो लगने वाली दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्ट। तो वो सारी चीज़ें हम कल के लेक्चर में देखेंगे, थोड़ा सा सबूरी और श्रद्धा से चलेंगे कॉस्ट में, ठीक है। भागम भागी नहीं करेंगे कॉस्ट में, धीरे धीरे घर पर भी पढ़ना और रेगुलर पढ़ना, नहीं तो कॉस्ट बाद में बता रहा हूँ तड़पा देता है पूरा। ईजी बहुत है अगर ढंग से समझे तो, लेकिन अगर ढंग से नहीं समझे और गड़बड़िया करे इसके अंदर तो भाई ये रुला देता है बाद में, पहले बता दे रहा हूँ आज, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय गाइस, बाय 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 बाय।